कहते हैं कि जहां माँ नैना देवी की महिमा अपरंपार है, वहीं पर भक्तों की भक्ति भी अनूठी है। इस अनूठी भक्ति की कई उदाहरण आजकल श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान माता श्री नैना देवी के दरबार में देखने को मिल रहे हैं। ऐसी भक्ति जिसे आप भी सुनकर देखकर हैरान हो जाएंगे। पंजाब के विभिन्न शहरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग श्रद्धालु जहां पर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु दंडवत करते हुए मां के दरबार में आते हैं, पेट के बल लेटकर मां के दरबार पहुंच रहे हैं। वहीं कई श्रद्धालु झंडे लेकर, बड़े बड़े झंडे लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं। मां भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हालांकि ऐसा ही एक श्रद्धालु जो लगभग 110 किलोमीटर पैदल पंजाब के समराला से चलकर मां के दरबार में पहुंचा, हालांकि पैरों में पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर थकान की कोई लकीर नजर नहीं आई। चेहरे पर मुस्कान और मुख से मां के जयकारे, ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस श्रद्धालु का नाम रमनदीप है, जो कि समराला का रहने वाला है और शहर से लगभग 110 किलोमीटर का लंबा सफर 36 घंटे में पूरा करके ये माता के दरबार में श्रवण मेले के दौरान हाजिरी लगाने के लिए पहुंचा। इसका कहना था कि माता नैना देवी उन्हें शक्ति प्रदान करती है इस प्रकार की कठिन यात्रा करने के लिए। ऐसा ही एक दल पंजाब के रामपुरा फुल क्षेत्र से आया, जो कि बड़े बड़े दो झंडे लेकर माता के दरबार में पहुंचे और माता का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि माता रानी की कृपा से वे कई वर्षों से प्राचीन परंपराओं के मुताबिक झंडे लेकर यहां पहुंचते हैं। पहले बुजुर्ग आते थे और अब वे आ रहे हैं, तो ऐसी मान्यताएं हैं और जिनको लेकर वे वहां पे पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य को विशेष दर्जा को खत्म कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 4 संकल्प पेश करते हुए आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का 2 राज्यों में बंटवारा भी किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर के भूगोल के साथ ही सियासत भी बदल गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और केंद्र सरकार ने बड़े साहस का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज़ादी मिलने के बाद 1953 भाजपा इस बात पर संघर्ष कर रही थी। आज का दिन सरदार पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने 500 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया था, एक जम्मू कश्मीर तय की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भी भारत का हिस्सा बना दिया। कुमार ने इस बार जो देश के भाजपा को प्रबल जनमत बहुमत दिया था, साबित कर दिया है कि असंभव निर्णय को संभव करने की हिम्मत मोदी सरकार ने दिखाई। इसके लिए अपनी सरकार और भारत के लोगों को भी बधाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद चांदा कुमार ने जम्मू और कश्मीर पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर कहा कि ये बहुत बहुत उपयुक्त है। लद्दाख का एक इलाका है, यही होना चाहिए था। लद्दाख संवेदनशील क्षेत्र है, उसको सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत रहना चाहिए। जो भी निर्णय किया है वे सोच विचार करके किया गया है। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। शांता कुमार ने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो रही है, जिन्होंने कश्मीर को अलग रखने के लिए अपनी राजनीति की, जिसमें पाकिस्तान का भी परोक्ष रूप से सहयोग था, क्योंकि पाकिस्तान के पास कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर दुनिया और राष्ट्र संघ में शोर मचाता है, आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस कश्मीर के कारण हमारे करोड़ों अरबों का पैसा खर्च होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे और हमारे जवान भी शहीद होते थे। अब कश्मीर समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया है। ये भारत के शरीर पर एक नासूर बन चुका था, जिसको आज केंद्र सरकार ने दूर कर दिया है और ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मंदिर न्यास में एक अनूठी पहल देखने को मिली, जिसमें मंदिर न्यास के द्वारा इस बार अपंग सीनियर सिटीजन और अक्षम श्रद्धालुओं के लिए सुगम वाहन शुरू किए हैं। ये सुगम वाहन यात्रा अपंग वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए प्रदान सिद्ध हो रही है, जो कि गंगडाल चौक से श्री नैना देवी तक
इन श्रद्धालुओं को फ्री यात्रा करवाई जा रही है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष SDM सुहास गौतम ने इस सेवा का शुभारंभ किया। उनके साथ मंदिर अधिकारी कुसुम चांद और मेला मजिस्ट्रेट जय गोपाल, मंदिर न्यास के सहायक अभियंता प्रेम शर्मा भी मौजूद थे। मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने पत्रकारों को बताया कि इस सुगम वाहन के द्वारा जो श्रद्धालु 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन है, इसके अलावा कोई अपंग श्रद्धालु है और साथ में गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा मंदिर न्यास के द्वारा शुरू की गई है। इसमें चाहे बच्चा हो, महिला हो या बुजुर्ग, सभी शामिल हैं और इसको गंगदाल चौक से लेकर श्री नैना देवी मंदिर तक इनको फ्री यात्रा करवाई जा रही है। साथ में एक पर्ची भी दी जाती है जिससे माता जी के दर्शन ही बिना लाइनों से सीधे माता जी के दर्शन कर सकते हैं, ताकि इन श्रद्धालुओं को मेले के दौरान व्यापक सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यह मंदिर न्यास की एक अच्छी पहल है और उसके लिए वे श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जो भी इस कैटेगरी के श्रद्धालु हैं वे संपर्क करें और इस सुविधा का फायदा उठाएं। नूपुर की पंचायत सदमा के गांव लखवा का 13 वर्षीय मोहित पुत्र सुरेश कुमार जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने के बाद अब प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मोहित की 9 वर्षीय बहन हिमानिका मोहित के साथ घर पर ही बैडमिंटन खेलती है और अपने भाई की पूरी तैयारी में मदद करती है। मोहित ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने जो पिछले वर्ष ऊना में प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाग लिया था, उसमें हमारी टीम ने 3rd स्थान हासिल किया था, फिर नेशनल के लिए मेरा चयन किया गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इस वर्ष 15वीं बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंगल और डबल में विजेता की ट्रॉफी मिली। इस समय पठानकोट में कोचिंग ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे जी तोड़ मेहनत करेंगे और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता जीतूंगा।